26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रेल हादसा हुआ है, जहां मालगाड़ी की 3 बोगी बेपटरी हो गई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में इसी जगह पे मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के गुमटी नंबर 98 के समीप इसी जगह पे एक माल ट्रेन जो है उसकी 6 बोगियां बेपटरी हो गई थी, जिसके कारण कई घंटों तक अप एंड डाउन लाइन की जितनी भी गाड़ियां थी वह लेट हो गई थी, उसको रोक दिया गया था। और एक बार फिर उसी जगह पे फिर एक बार जो है मालगाड़ी की 3 बोगी जो है वह बेपटरी हो गई है। आपको बता दें कि यह तेल टैंकर है जो बाहर से आती है, और नारायणपुर स्टेशन के बगल में ही तेल का डिपो है जिसमें इसको खाली किया जाता है, और इसको खाली करके बाहर फिर यार्ड में प्लेसमेंट के लिए निकाला जा रहा था। इसी दौरान इसकी 3 बोगी जो है वह बेपटरी हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है पटरी से नीचे उतर गई है बोगियां। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में यह तीसरी घटना है मुजफ्फरपुर में। 2 घटना तो इसी जगह पे हुई है, जो माल ट्रेन की 6 बोगियां उतरी थी और फिर माल ट्रेन की 3 बोगियां उतरी है। और एक जो घटना हुई थी वह यह थी कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर सेंटिंग के दौरान इंजन जो है वह बेपटरी हो गई थी। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं बड़ा रेल हादसा एक बार फिर से हुआ है। और आपको बता दें कि यह पहली घटना नहीं है, यह तीसरी घटना मुजफ्फरपुर में है। अभी हाल ही के दिनों में तीसरी घटना है जब 3 बोगी जो है वह बेपटरी हो गई है। और यह जो मूल रूप से जगह है वह है मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड का नारायणपुर रेलवे स्टेशन के 98 नंबर गुमती के समीप जो है वह यह हादसा हुआ है, जिसके बाद अप और डाउन लाइन की दोनों जो है लाइन को जो है वह बाधित कर दिया है। कोई भी ट्रेन जो है, जो ट्रेन जहाँ पे है वहीं पे रुकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में तमाम गाड़ियाँ जो है वह इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और जितने भी बिहारवासी है वह दीपावली के समय अपने घर पहुँचने की कोशिश करते हैं, ऐसे में कई घंटों से जो है वह ट्रेन जिस स्टेशन पे खड़ी है वहीं पे खड़ी है। तो ऐसे में एक बार फिर आप कह सकते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है, और यह तीसरी घटना है मुजफ्फरपुर का अभी हाल ही के दिनों में तीसरी घटना है जब 3 बोगी जो है वह बेपटरी हो गई है। आपको बता दें मुजफ्फरपुर के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के समीप ही इंडियन ऑयल का डिपो है, जहां की बाहर से इसी माल ट्रेन में करके पेट्रोल और डीजल की जो है बोगियां पहुंचती है यहां पे, और फिर उस डिपो में खाली किया जाता है। इसी को लेके आज यह ट्रेन पहुंची थी, जिसको तेल डिपो में जो है प्लेसमेंट दिया गया था, और खाली करने के बाद इसको बाहर निकाल के और यार्ड में प्लेसमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, तभी इसकी 3 बोगियां जो है बेपटरी हो गई है। हालांकि तमाम अधिकारी जो है वह मौके के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं RPF और GRP की बात करें तो तमाम पुलिस की टीम जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मौके पर पहुंच गई है, अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगे हैं। लेकिन अभी बड़े अधिकारी को सूचना दी गई है और बड़े अधिकारी जो है मौके के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इस बार फिर एक बार आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के 98 नंबर गुमती के समीप एक बार फिर रेल हादसा हुआ है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह माल ट्रेन का जो चक्का है वह रेलवे लाइन से ऊपर उठ गया है और दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 3 जो डब्बा है वह बेपटरी हो गई है। फिलहाल डाउन लाइन को चालू कराने की प्रक्रिया जो है वह की जा रही है, क्योंकि माल ट्रेन में 98 जो है डब्बा होता है कि काफी लंबी गाड़ियां होती है, जिस कारण दोनों लाइन फिलहाल बाधित है, जिसमें डाउन लाइन की जो है उसको खाली कराने की कवायद की जा रही है। फिलहाल अपलाइन खाली करने में अधिकारियों को समय लगेगा, चूंकि 3 बोगियां नीचे उतरी हुई है और इसको फिर लाइन पर लाना पड़ेगा। अभी तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, अभी रवाना हुए हैं मौके के लिए। तो मुजफ्फरपुर से बड़ा हादसा एक बार फिर देखने को मिला है, जहां हाल ही के दिनों में यह तीसरी घटना है जब माल ट्रेन की 3 बोगियां जो है बेपटरी हो गई है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।